हम इस वक्त हैं नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स जो कि भानु चंडीगढ़ के पास है। हमारे पास इस वक्त हैं प्रिया ठाकुर जो कि पहली डॉग हैंडलर हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, 26 साल की हैं और उनके साथ उनकी डॉग हैं सॉफ्टी। पहली बात आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि हर बार जब चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, कोई बड़ा मिशन होता है, जो फोर लेगेड सोल्जर्स हैं यानी जो डॉग्स हैं अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं वो काफी अहम होते हैं। लेकिन प्रिया से बात करते हैं। प्रिया, महिलाएं अब हर जगह आगे बढ़ती आ रही हैं, पहली डॉग हैंडलर हैं आप प्रदेश की तरफ से, कितनी मुश्किल है, कठिन है ये जर्नी, या आपको लगता है कि आपको एक साथी मिल गया है एक अलग से? नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि ये कोई कठिन कार्य है। महिला हर क्षेत्र में आगे है तो इस क्षेत्र में क्यों पीछे रहेंगी, ये भी कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर कोई कार्य आप दिल से करें तो वो कोई कठिन कार्य नहीं रहता। तो ये जो जर्नी है, हमें बताया गया है कि 3 महीने की बेसिक जर्नी होती है डॉग्स की, उसके बाद 6 महीने एडवांस्ड होती है। खास तौर पे कितनी महिलाएं हैं, आप शायद बाकी महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और एक पूरी एक टीम होगी जो कि डॉग हैंडलर्स देखेंगे, तो किस तरह का आप लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? प्रिपरेशन तो जैसे बाकी जेंट्स अगर इस फील्ड में आगे हैं तो इस फील्ड में हम लोग भी आगे आ सकते हैं। बस ये कि हमें मेंटली हम लोग स्टेबल रहें, कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग इतने जेंट्स में कैसे आगे ये कार्य करेंगे। हमारे साथ की महिलाएं हैं, वो बॉर्डर पे भी ड्यूटी दे रही हैं, तो ये तो एक छोटा सा कार्य है। अगर हम इनके साथ गोल मिल गए तो फिर कार्य करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। तो किस तरह की ट्रेनिंग है ये? वीवीआईपी के लिए है, हमने देखा है डॉग्स अक्सर जैसे नेटो फोर्सेस हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, नक्सल थिएटर्स हैं, वहां पे हर जगह हम देख रहे हैं कि डॉग्स का या डॉग स्क्वाड का बहुत अहम रोल होता है, तो हिमाचल में किस तरह का ये यूज रहेगा इनका? हिमाचल में भी तीनों ट्रेड में डॉग ट्रेन किए जाते हैं, चाहे वो आईडी एक्सप्लोजिव हो, नार्कोटिक्स हो या ट्रैकर हो। जो सॉफ्टी है ये ट्रैकर डॉग है, ये ट्रैकिंग के लिए आगे ट्रेन की जा रही है अभी। तो जो रिश्ता है आपका, आर यू डॉग लवर, किस तरह से आपके जो घर में है या बाकी, आपको क्यों चूज किया गया फर्स्ट टाइम? देखिए, मैं बचपन से एक बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ। मेरे मायने में डॉग लवर वो नहीं जो एक ब्रीड वाले डॉग्स को प्यार करे। डॉग लवर एक वो होता है, अगर कोई स्ट्रीट डॉग भी दिख रहा है कि उसमें भी अगर देख लेते कि नहीं ये डॉग है, अगर हमारा उसके प्रति प्यार है तो वो एक ट्रू डॉग लवर है। रही घर की बात, हाँ मेरी फैमिली भी पूरी डॉग लवर है, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो मेरे होम अपने पेरेंटिक हो, वो सब भी डॉग लवर्स हैं। तो केनाइन यूनिट ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल डॉग्स होते हैं, मींस एक सोल्जर के बराबर, इनको एक फोर लेगेड सोल्जर भी बोला जाता है, तो कितना डिफरेंट रहा है ये जर्नी? ये जर्नी कुछ खास डिफरेंट, हाँ थोड़ी बहुत परेशानी आती है। अगर हम किसी इंसान को, या जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, अगर हम किसी इंसान को बोले कि नहीं अगर आपको ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करना है, पर एक जानवर को समझाना थोड़ा बहुत टफ होता है। इसके लिए हमें बार बार, अगर कोई टास्क इनको दिया गया है तो हमें बार बार इनको बोल के, या फिर इनको हम लोग अगर बोल के समझाएंगे तो वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक जानवर है। अगर हम इन्हें बार बार रिपीट करके वो चीज़ करवाते रहें तब इन्हें समझ आता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये भी ज़रूरी है कि डॉग आपको समझे और आप डॉग को समझें। जी हाँ बिल्कुल, हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे कई क्वालिटीज हमारी डॉग के अंदर आती हैं और कई डॉग्स की हमारे अंदर आती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा टफ कार्य है, नो डाउट, बट ये इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस की ज़रूरत है और एक साथी है और एक प्रोफेशनल, इनको सोल्जर से कम नहीं माना जाता है। इनके एक एक्यूमेन होते हैं, एक शार्प सेंस है, चाहे वो स्मेल का है, आईसाइट का है, और इसी वजह से ये जो अपने कैपेबिलिटी से एक फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं और इसी वजह से इन्हें इंडक्ट किया जाता है। अब महिलाएं, अब हमने देखा है किस तरह से डॉग मास्टर हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि और महिलाएं अब आएंगी, लेकिन ये एक ग्लास सीलिंग थी जो कि अब वो शेड हो चुकी है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ कमलजीत संधू, भानु चंडीगढ़।